नमस्कार, बिहारी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तैयार। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की 30 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पीएम नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर इसे ऐतिहासिक दिन करार दिया और लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने योजना को सफल बनाने में लगे सभी लोगों को भी बधाई दी। मोदी ने जनधन योजना की उपलब्धियों को भी सराहा और इसके महत्व को उजागर किया। बिहार सरकार ने स्कूलों की निगरानी के लिए नई योजना लागू की है, जिसमें पढ़ाई, ब्लैक बोर्ड उपस्थिति और शिक्षकों की अटेंडेंस की जांच की जाएगी। जिला स्तर के अधिकारी अब नियमित रूप से स्कूलों का निरीक्षण करेंगे और व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करेंगे। सीबीआई ने प्रधान आयकर आयुक्त संतोष कुमार को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। जांच में खुलासा हुआ है कि कुमार ने एक वसूली गैंग बनाकर रिश्वतखोरी की योजना बनाई थी। गिरफ्तारी से आयकर विभाग में खलबली मच गई है। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बुधवार को बताया कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और इसे जल्द ही समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं, पति पत्नी और विशेष परिस्थितियों वाले शिक्षक अपने पिटीशन ऑनलाइन या फिजिकल रूप में जमा कर सकते हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने आरोप लगाया कि झारखंड पुलिस पिछले 5 महीनों से मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पर नजर रख रही थी। शर्मा ने इसे भारतीय राजनीति में एक दुर्लभ मामला बताते हुए इसे सर्वोच्च स्तर तक उठाने की बात की। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर पर भी निशाना साधा। कहा, कुछ कुछ बोलकर ये लोग अपने लोगों को खुश करना चाहते हैं, जनता में भ्रम की स्थिति फैलाना चाहते हैं। सूर्य कुमार यादव ने बूची बाबू टूर्नामेंट में शानदार उपस्थिति दर्ज की, जहां उनके फैंस ने उनके झलक पाने के लिए जबरदस्त उत्साह दिखाया। उन्होंने सभी फैंस के साथ फोटो खिंचवाए और ऑटोग्राफ दिए, जिससे उनके प्रशंसा में और इजाफा हुआ। बिहार सरकार ने महिलाओं की सुरक्षित यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 112 पर सुरक्षित सफर सुविधा शुरू की है। इस पहल के तहत महिलाएं यात्रा के दौरान किसी भी खतरे या सुरक्षा की स्थिति पर इस नंबर पर कॉल कर सकती हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर राजनीति अपने उफान पर है। एक तरफ जहां बीजेपी ने बंगाल बंद का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ ममता सरकार ने आदेश जारी कर कहा कि बंद नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम के करीबी लोग बिना अधिकार के पोस्टिंग कर रहे हैं और डीजीपी के सिफारिशों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। कहा, सरकार में पोस्टिंग की प्रक्रिया में चढ़ावा लिया जा रहा है। गोवा के कंसोलिम में रहने वाले जोसेफ सीएए के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बने हैं। उन्होंने सीएए लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। मार्केट एक्सपर्ट किरण ने एचडीएफसी बैंक के शेयर को सेफ्टी और रिटर्न के लिए उपयुक्त बताया है और सलाह दी है कि 1620 रुपए पर स्टॉप लॉस रखा जाए। उन्होंने 1680 रुपए का टारगेट सेट किया और यदि ये स्तर पार होता है तो 1720 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव शशांक शेखर सिन्हा ने पीएमसीएच के 3 विभागाध्यक्षों और 2 प्रोफेसरों से लिखित स्पष्टीकरण मांगा है। इन चिकित्सकों पर ड्यूटी में लापरवाही, समय पर न आने और इलाज और छात्र छात्राओं की पढ़ाई को प्रभावित करने के आरोप लगे हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर ज्ञानेंद्र पांडे ने 1999 में वनडे डेब्यू के बाद आज 2 मैचों का मौका मिलने की वजह से दर्द व्यक्त किया। पांडे ने हाल ही में कहा कि उन्हें लगातार खेलने का मौका नहीं मिलने का अफसोस है। बता दें, वर्तमान में वे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हैं। मधुबनी जिले के शिवगंगा गर्ल्स प्लस 2 हाई स्कूल में सहायक शिक्षक मीनाक्षी कुमारी और कैमूर जिले के तरहनी के न्यू प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक सिकंदर कुमार सुमन को 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में डॉक्टर के रेप और हत्या के खिलाफ छात्रों ने नबन्ना अभियान के तहत ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर सड़कों पर प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे पर 12 घंटे के बंगाल बंद की घोषणा की है, जबकि ममता बनर्जी ने इसे अस्वीकार कर दिया। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बुधवार को युवाओं से पेपर लीक के मुद्दे पर बात की। इस दौरान उन्होंने सरकार पर हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि जब अनपढ़ लोगों को नेता बनाएंगे, जब शिक्षा मंत्री ही पेपर लीक करने वाला माफिया हो, तो पेपर लीक कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सहयोगी को धन शोधन मामले में जमानत दे दी है।
कोर्ट ने कहा कि पीएमएलए मामलों में जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। न्यायमूर्ति बीआर गवई और केबी विश्वनाथन की पीठ ने व्यक्ति की आजादी को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार ने सुबह के लिए नई सोशल मीडिया पॉलिसी लागू की है, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई। इस नीति को राज्य के सूचना विभाग ने तैयारी की है, जिसे राज्य डिजिटल मीडिया नीति 2024 नाम दिया गया है। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। कंगना रनौत ने इंदिरा और राहुल गांधी के बीच तुलना करते हुए कहा कि दोनों नेताओं का रास्ता बिल्कुल अलग है। राहुल गांधी के पास कोई ठोस विचार नहीं है, वे सिर्फ कुर्सी के लिए सोचते हैं। जहर शाह के आईसीसी चेयरमैन चुने जाने के बाद 2025 में पाकिस्तान में होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पूर्व पाक क्रिकेटरों को ये उम्मीद है कि अब पाकिस्तान में टीम इंडिया खेलेगी। देश में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। कुत्तों के हमलों से कई लोगों की जान जा चुकी है। ताजा मामला बेंगलुरु से सामने आया है, जहाँ एक 76 वर्षीय महिला पर आवारा कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई 2024 को बजट में जीएसटी टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने की योजना की घोषणा की थी। हालांकि जीएसटी रेट में कटौती को लेकर राज्यों की सतर्कता और असहमति देखी जा रही है। आगामी 9 सितंबर 2024 को जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटी रेट्स और लग्जरी और सीन गुड्स पर सेस पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता में डॉक्टर के रेप और मर्डर की घटना पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गहरी नाराजगी जताई। कहा कि सभ्य समाज में ऐसी बर्बरता स्वीकार नहीं है। राष्ट्रपति ने निर्भया गैंग रेप की घटना के 12 साल पूरे होने का भी जिक्र करते हुए याद दिलाया कि समाज में इन मुद्दों को गंभीरता से लेनी चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए जनधन बैंक खाते को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार ने बैंकों को बनाया जनधन की लूट का साधन। इसके साथ ही उन्होंने 3 सवाल भी पूछे। एप्पल भारत में आईफोन उत्पादन बढ़ाकर मार्च 2025 तक 2 लाख नई नौकरियां पैदा करने जा रही है, जिसमें 70% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। कंपनी का लक्ष्य चीन पर निर्भरता कम करना और भारत में अपने निर्माण को बढ़ाना है। सुधा मूर्ति की नई किताब ग्रैन पॉज बैग ऑफ स्टोरेज हाल ही में प्रकाशित हुई है, जो उनकी पूर्व की किताबों का सिक्वल है। हालांकि उनकी नातिनी उनकी किताबों में रुचि रखती हैं। मूर्ति का कहना है कि वे बच्चों की पुस्तकों पर गहराई से प्रतिक्रिया के लिए भारतीय युवाओं को प्राथमिकता देती हैं। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राम जतन सिन्हा और उनके बेटे अमित सिन्हा ने बुधवार को पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर पार्टी के राज्य प्रमुख अखिलेश प्रसाद सिंह और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति रही। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने हमें कमेंट किया था उनका नाम है सपना कुमारी, संजीव कुमार, मोहम्मद साकिर हुसैन, विकास कुमार, बाबूलाल मरांडी। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके लिए सबसे प्रेरणादायक व्यक्ति कौन है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर दें। धन्यवाद।